बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कंटेंट रोज़ को इनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और उसकी जो सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है मार्केट के अंदर, उसके साथ में हाजिर हूँ। एक्चुअली कंटेंट रोज़ के अंदर, कोज़ को इनके अंदर हुआ ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना है और लॉसेस का जो है वो बियर करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा से वही बात करता आता हूँ कि यार, अगर आपसे एक गलती हो जाती है, या मतलब गलती कह रहे हैं इसको, या इसको आप लक कह रहे हैं, बैड लक आपके साथ या जैसी भी सिचुएशन बन जाती है, तो आप लोग उसमें यार घबराने के बाद ना एग्जिट ना हुआ करो। होता ये है, अक्सर ऐसे होता है, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी बाद में पंपिंग भी तो देखने मिलती है। आप, मैं वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, आप ये लोग देखो। मैं इसमें आज ना टेक्निकल एनालाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अपना शो करना चाह रहा हूँ कि ये प्रीवियसली क्या हुआ है आपके सामने। आप लोग देख लो यार, ये पंपिंग हुई, उसके बाद फिर डंपिंग हुई, और फिर उसके दोबारा पंपिंग हुई है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ह्यूज पंपिंग कुछ दिनों के बाद हुई है, ठीक है। अब इसका हल क्या है? इसका बेस्ट हल ये है कि यार, आप लोग इस कॉइन के अंदर होल्ड करो इसको, ठीक है। आप लोग लॉस में हो ना, आप लोग होल्ड कर लो। दूसरी बात, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो उसके अंदर, आप लोग इसमें अलार्म रिमाइंडर लगा सकते हो, अलार्म लगा सकते हो कि यार, जैसे ही प्राइस, आप लोग डिफरेंट जगह के ऊपर अलार्म प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे अलार्म बाइनेंस में प्लेस कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, डिफरेंट जगह पे जब आप लोग अलार्म पेस्ट कर दोगे, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, कल को किसी भी, कल को किसी लेवल के ऊपर अगर पंपिंग होती है, फिर आप लोग फैसला कर सकते हैं।